ओम शांति। 14 जनवरी साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत, बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं या फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलाते हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं जिससे अति इंद्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के बाप दग्ध होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो इंजन मिली है, एक निराकारी दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है, यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए, और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए, उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सत्युग में जा न सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरो प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजयी पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। गृह सज्जनम, तुम बाप को याद करते आए हो, तुम अब आशिक हो एक माशुक के, सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही
यह सब लीला है, बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसी की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं, यह भी ड्रामा में नुंद है। हमेशा बुद्धि में तीन धाम याद रखो, शांति धाम जहां आत्माएं रहती है, सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम की स्थापना करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है, अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान नैनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम यह नहीं है, यह तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, मनुष्य तो कह देते कि वह अंतर्यामी है, अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सदगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं, तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो न सके, वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमयी है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है, वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है, उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाये हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती, नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है, माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा न ले सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे, पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना न पड़े,
जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयन नाम भी है। ऐसे आयन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा न सके। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है तो बाप समझाते हैं, या बचपन के दिन भूल न जाना। बाप ने एडप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं। यह एडप्शन है, स्त्री को एडप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी एडप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले एडप्ट किया था। एडप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकार्नेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकार्नेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण, ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकरर तन है। यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महारथियों के बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं है, उनका सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है, दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो।
अभी तो खुने नाह खेल होना है, यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कलमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहक कहा जाता है, इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें नीडर बना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे तुम सत्व प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो बाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है, चित्रों में दिखाते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है, जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाप कहते हैं, अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से ही मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति, दो वर्ष से मिलते हैं। इसमें सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे, आपका खर्चा कैसे चलता है? अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना, विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? श्री बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं, सिर्फ तीन पैर पृथ्वी को लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व का मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरी पॉइंट, पावन बनकर
पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है, डबल अहिंसक बनना है, अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर जीवा भव विस्तार है। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भल वही है लेकिन पुराने संस्कारों स्मृतियों और स्वभाव का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत है। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.